नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री कांत कुमार, आप देख रहे टू जेड प्रोसेस। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट, राशन कार्ड में ईकेवाईसी कंप्लीट करना सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप राशन कार्ड में ईकेवाईसी कंप्लीट नहीं करते हैं तो राशन कार्ड में मेंबर्स के नेम को डिलीट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप राशन कार्ड में ईकेवाईसी कंप्लीट किए हैं तो ईकेवाईसी कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है चेक करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा एक नया ऐप को लॉन्च कर दिया गया है। उसके मदद से आप एक मिनट में चेक कर सकते हैं, एक मिनट में आप देख सकते हैं कि मेरा राशन कार्ड में ईकेवाईसी कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो किस प्रकार से कर सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है मेरा राशन 2.0। तो इस प्रकार से टाइप करने के बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से ऐप देखने के लिए मिल जाता है और ये ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो इस ऐप को सबसे पहले अपना मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों इस ऐप में बहुत ही बड़ी अपडेट किया गया है जो राशन कार्ड का ऑल सर्विस का काम घर बैठे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ऐप को अपना मोबाइल में हम इंस्टॉल कर लेते हैं। और इस ऐप को अगर आप पहले से ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो इस ऐप को प्ले स्टोर से सबसे पहले अपडेट कर लेना है। उसके बाद इस प्रकार से ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप ओपन होना शुरू हो गया है। यहाँ पे अपना लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, जिस लैंग्वेज में आप ऐप को ओपन करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है गेट स्टार्ट के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से ऐप यहाँ पे ओपन हो जाता है। और यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है लॉगिन करने के लिए, पहला ऑप्शन दिया गया है बेनिफिशरी का और दूसरा ऑप्शन दिया गया है डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेनिफिशरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देना है। यहाँ पे अपना आधार नंबर को टाइप करना है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में टाइप करना है, लॉगिन विथ ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और दोस्तों लॉगिन विथ ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले आपको देखना होगा कि मेरा अपडेट है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, किसी एक ब्राउजर को ओपन करना है और ब्राउजर में टाइप करना है SSUP। उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबसे ऊपर जो लिंक दिख रहा है इस लिंक पे क्लिक कर देना है। आधार कार्ड का ऑफिशियल पोर्टल इस प्रकार से ओपन हो जाता है, जो इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है चेक आधार वैलिडिटी के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना आधार नंबर को टाइप करना है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में टाइप करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको चेक करना है कि मेरा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहता है तो दोस्तों मेरा राशन 2.0 ऐप में आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही जरूरी है। उस नंबर पर एक OTP को सेंड किया जाता है, जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक OTP को सेंड किया जाता है। तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर लिंक होगा और ये मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, यानी चालू होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने आधार नंबर को टाइप कर लिए हैं। तो चलिए लॉगिन विद OTP के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लोडिंग लिया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ सेकंड तक वेट करना है। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे घूम रहा है। और दोस्तों इसी प्रकार से छोटा बड़ा नोटिफिकेशन हमारे पास आते रहता है, पर उसका अगर हम वीडियो नहीं बना पाते हैं तो उसका जो भी नोटिफिकेशन होता है टेलीग्राम चैनल पे हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक OTP को सेंड किया गया है। OTP को टाइप करने के लिए ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले OTP को टाइप करना है, उसके बाद वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पे देखिए OTP को टाइप कर दिए हैं। चलिए अब हम वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो OTP वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पे देखिए MPIN नंबर क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे अपना मनपसंद से 4 डिजिट का MPIN नंबर को यहाँ पे क्रिएट करना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर से यहाँ पे MPIN नंबर को कंफर्म यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। सेम यहाँ पे जो है कि पिन नंबर यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद क्रिएट MPIN नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
अब यहां पे देखिए एमपी नंबर यहां पे क्रिएट सक्सेसफुली हो गया है। अब क्या करना है तो ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार से आप लॉगिन हो जाते हैं और लॉगिन होने के बाद यहां पे देखिए राशन कार्ड में जितना भी सर्विस है, जितना भी सर्विस को ऐड किया गया है, इस प्रकार से यहां पे सर्विस देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा राशन कार्ड में ईकेवाईसी कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, पेंडिंग है क्या है, अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो यहां पर देखने के लिए मिल जाता है मैनेज फैमिली डिटेल्स के ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पे कुछ देर ही वेट करना है। यहां पे देखिए लोडिंग ले रहा है। उसके बाद यहां पे देखिए इस प्रकार से यहां पे ओपन हो गया है। राशन कार्ड में जितना भी मेंबर्स है सभी मेंबर्स का नाम यहां पे देखने के लिए मिल जाता है। सभी मेंबर्स का यहां पे आधार, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ यहां पे देखने के लिए मिल जाता है। तो यहां पे जितना भी मेंबर्स का नाम देखने के लिए मिल जाता है, इन सभी मेंबर्स में कितने लोग का केवाईसी अभी जो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहां पे देखिए बताया गया है टोटल केवाईसी पेंडिंग यहां पे 3 यहां पे दिखा रहे हैं, यानी 3 मेंबर्स का जो है कि केवाईसी कंप्लीट नहीं है, पेंडिंग है। अब कौन सा मेंबर्स का पेंडिंग है देखने के लिए यहां पे जो आई वाला जो लोगो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इससे आपको पता चल जाएगा केवाईसी अगर वेरीफाइड होगा तो वेरीफाइड देखने के लिए मिलेगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे पेंडिंग देखने के लिए मिलेगा। या फिर अगर आप राशन कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर सामने यहाँ पे देखिए पेंसिल का एक लोगो दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप जो है कि मोबाइल नंबर को भी अपडेट कर सकते हैं। या फिर राशन कार्ड में मेंबर्स के नेम को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए मेंबर्स के सामने यहाँ पे एक डिलीट का लोगो दिख रहा है, इसके ऊपर आप जो है कि डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आकर देख लेना है कि मेरा राशन कार्ड में ईकेवाईसी कंप्लीट है या नहीं है, इस तरीका से देख लेना है। अगर ईकेवाईसी कंप्लीट नहीं रहता है और अगर आप ईकेवाईसी कंप्लीट नहीं किए हैं तो दोस्तों 30 सितंबर 2024 के अंदर जो है कि सभी लोग को ईकेवाईसी कंप्लीट करा लेना जरूरी है। और ईकेवाईसी कंप्लीट कराने के लिए जो भी आपके नज़दीक में डीलर दुकान है जहां पे आपको राशन मिलता है वहां पे जाकर अपना फिंगर आधार देकर जो है कि ईकेवाईसी को कंप्लीट करा लेना है। और दोस्तों अगर आप राशन कार्ड में नया फैमिली का नाम को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया गया ऐड न्यू मेंबर के ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। राशन कार्ड में नया फैमिली का नाम को जोड़ने के लिए यहाँ पे 9 स्टेप दिया गया है। 9 स्टेप में जो है कि आप ऐड कर सकते हैं और इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस प्रकार से राशन कार्ड में नया फैमिली के नेम को ऐड करना है। और दोस्तों लॉगिन करते समय अगर ओटीपी का प्रॉब्लम आ रहा है, ओटीपी आपके मोबाइल पे नहीं आ रहा है, वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इस ऐप में जो है कि नया सर्विस को अपडेट किया गया है, इसलिए अभी ऐप जो है कि वर्किंग में है, इसलिए ये सब आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अगर यहाँ पर लॉगिन नहीं हो रहा है, अगर ओटीपी का प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पर आपको वेट करना है, इंतज़ार करना है। और जैसे प्रॉपर तरीका से ऐप काम करना शुरू कर देगा, लॉगिन होना शुरू हो जाएगा, वैसे हम टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें।